नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरी वाल्व कार्बोरेटर के बारे में। जो कार्बोरेटर होता है वो ऑक्सिलरी वाल्व के थ्रू क्यों लगाया जाता है और इसका क्या फ़ायदा हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम कार्बोरेटर के बारे में जानते हैं। कार्बोरेटर का काम क्या होता है? एयर और फ्यूल के मिक्सचर को मिक्स करना एक प्रॉपर अमाउंट में और फिर उसको इंजन को देना ताकि प्रॉपरली कंबर्शन हो सके और इंजन की अच्छी एफिशिएंसी आ सके। लेकिन क्या होता है? देखिए, पहले हम इसकी एक सिंपल वर्किंग देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं और कौन कौन से इसके पार्ट हैं। तो ये है फ्लोट चैम्बर। ये फ्लोट चैम्बर है, इसके अंदर हमारी फ्यूल होती है और इसके अंदर होता है फ्लोट। ये फ्लोट इसके ऊपर तैरता रहता है। जब ये क्वांटिटी को मेंटेन करता है, जब ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ से ये क्लोज हो जाता है और जब ये कम होनी स्टार्ट हो जाती है ये नीचे आ जाता है और यहाँ से फ्यूल की सप्लाई दोबारा से आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्वांटिटी को मेंटेन रखता है फ्यूल की। उसके बाद ये है मेन लाइन जिससे हमारा जेट जाता है, मेन लाइन, और इसको हम बोलते हैं मेन जेट। जब यहाँ से ये स्प्रे होता है इसको हम बोलते हैं मेन जेट, मेन जेट। तो ये कैसे स्प्रे होता है? देखिए, एटमॉस्फेयर से जो एयर जाती है, एटमॉस्फेयर से एयर आएगी तो वो जब यहाँ से चलती है तो यहाँ पे देखिए ये वेंचुरी है, ये वेंचुरी है। तो वेंचुरी से जैसे ही वो गुजरेगी तो यहाँ पे एक सक्शन इफेक्ट क्रिएट होगा, यानी कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम के कारण क्या होगा? यहाँ पे वैक्यूम का क्या मतलब है कि यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो फ्लोट चैम्बर है हमारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। यहाँ पे लो प्रेशर होने के कारण, वैक्यूम होने के कारण, यहाँ से जो फ्यूल है वो इस तरफ बहेगा और यहाँ से इस जेट के थ्रू स्प्रे होगा। तो एयर के साथ वो मिक्स हो जाएगा, एयर के साथ मिक्स होके थ्रोटल वाल्व के थ्रू वो आगे इंजन में जाता है। तो जैसे जैसे हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो वैसे वैसे क्या है, फ्यूल की सप्लाई जो है ज़्यादा होती रहती है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा फ्यूल की सप्लाई हो जाती है। लेकिन ये कंपनसेटिंग डिवाइस क्यों लगाया जाता है? जो ये ऑक्सिलरी वाल्व है जो हमने यहाँ पे लगाया है, ये ऑक्सिलरी वाल्व क्यों लगाया जाता है? देखिए, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो फ्यूल की सप्लाई बढ़ेगी, फ्यूल ज़्यादा रिच होता चला जाएगा, फ्यूल की क्वांटिटी रिच होती चली जाएगी, एयर के अंदर वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसको कम करने के लिए, ताकि हम फ्यूल की जो क्वांटिटी है उसको कम कर सकें, तो उसके लिए हमें ये कंपनसेटिंग डिवाइस लगाना पड़ता है। ये कंपनसेटिंग डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं। ये कंपनसेटिंग डिवाइस हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंपनसेट करता है जो रिच फ्यूल का मिक्सचर जा रहा है उसके अंदर ज़्यादा एयर भेज के। वो कैसे? देखिए, जैसे ही यहाँ से एयर पास करेगी तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगी, जैसा कि हमने बात की, तो यहाँ से फ्यूल सक होगा। लेकिन इसी के साथ, इसी लाइन के साथ हमने ये वाल्व लगाया है, इसको हम एयर वाल्व बोलते हैं, एयर वाल्व, क्योंकि ये एयर सप्लाई करेगा। ये वाल्व है, ये वाल्व है और ये वाल्व सीट है, ये वाल्व सीट है, ये स्प्रिंग है, वाल्व स्प्रिंग आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही यहाँ से एयर पास करेगी तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, तो सक्शन इफेक्ट होगा, तो क्या होगा, ये वाल्व नीचे की तरफ आएगा। जैसे ही वाल्व नीचे की तरफ आएगा, एयर अंदर से एंटर करेगी और यहाँ पे आएगी, तो क्या होगा, जैसे ही इंजन की स्पीड बढ़ती है, यहाँ से एयर जब जाती है, इंजन की स्पीड बढ़ती है, जो फ्यूल है वो ज़्यादा आता है यहाँ से, तभी यहाँ से ये वाल्व लिफ्ट होके यहाँ से एयर की सप्लाई भेजता है। तो जो एयर है उसकी क्वांटिटी को यहाँ पे बढ़ाता है। जब एयर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, एयर फ्यूल रेशो के अंदर जब एयर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो फ्यूल की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से एयर की क्वांटिटी बढ़ने से जो रिचनेस ऑफ फ्यूल है वो कम हो जाती है, तो हम उसको एक अच्छा मिक्सचर बना सकते हैं। तो इसलिए कंपनसेटिंग डिवाइस यूज़ किए जाते हैं कि ज़्यादा फ्यूल आएगा उस क्वांटिटी में हम एयर नहीं ले पाएंगे, तो इसके लिए कंपनसेटिंग डिवाइस लगा दिया कि जब ज़्यादा फ्यूल ज़्यादा स्पीड पे हम काम करेंगे तो हायर स्पीड पे यहाँ पे जब वैक्यूम क्रिएट होगी तो यहाँ से वो एयर को भी बाहर से सक करेगा, जिससे जो रिच फ्यूल है उसको और ज़्यादा एयर मिलेगी और एयर मिलने के कारण उसके अंदर जो है, जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो कम होती चली जाएगी और एक
प्रॉपर मिक्सचर बनेगा उनका, एयर फ्यूल रेशो एक अच्छा बनेगा। तो इनको हम कंपनसेटिंग डिवाइस बोलते हैं, जो इस तरह से काम करते हैं, रिचनेस ऑफ फ्यूल को कम करने का काम करते हैं, या तो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को कम करके या एयर की क्वांटिटी को इंक्रीज करके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एयर की क्वांटिटी को इंक्रीज करके इसको कंपनसेट किया है। तो ये था ऑक्सिलरी वाल्व कार्बोरेटर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।